तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी की रैली की मंजूरी एन मौके पर प्रशासन ने रद्द किया तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और रोकने आए पुलिस वालों को डंडे से खदेड़ दिया। दुर्गापुर के सगरभांगा में बीडीओ ऑफिस मैदान में आज बीजेपी की बड़ी रैली के लिए कार्यकर्ता जुट रहे थे। मंच बनाने का काम हो रहा तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम की इजाजत नहीं होने की बात कही और मैदान खाली करवाना शुरू कर दिया। इस पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए और फिर लाठी का जोर दिखाते हुए पुलिस वालों को ही मैदान से खदेड़ दिया। इस रैली में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय भी शरीक होने वाले थे। रैली के आयोजकों का कहना था कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें रैली की इजाजत दे दी थी लेकिन ममता सरकार के दबाव में आकर आखिरी मौके पर इसे रद्द कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आखिर आक्रामक क्यों हो रही है अब ये समझ लीजिए। तो 4 सालों में पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए आक्रामक तैयारी। तृणमूल हर हाल में बीजेपी की रणनीति को नाकाम करना चाहती है लगी हुई है। तृणमूल बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है लगातार।